फेलियर, जिससे ऑलमोस्ट हम सभी लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं और कुछ लोग तो सिर्फ एक या दो फेलियर से ही हार मान जाते हैं। बट क्या हो जब वही फेलियर आपको 10 से 11 साल तक फेस करना पड़े। एग्जैक्टली मेरे साथ भी यही हुआ। मैं पिछले 10-11 साल से लगातार एक के बाद एक फेलियर को फेस करती आ रही हूँ। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल और मेरा नाम है नैन्सी और आज के इस वीडियो में मैं आपको अपनी पर्सनल फेलियर स्टोरी सुनाने वाली हूँ, क्योंकि सक्सेस स्टोरी तो हम सभी लोग सुनते हैं बट फेलियर स्टोरी कोई नहीं बताता है, क्योंकि फेलियर स्टोरी लोगों को बताना अच्छा नहीं लगता है। बट मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा आप सक्सेस स्टोरी से इंस्पायर होते हो, उससे कई ज़्यादा आप फेलियर स्टोरी से इंस्पायर होते हो। सो इस वीडियो में बेसिकली मैं वो सारी चीज़ें बताने वाली हूँ जो आज तक मैंने कहीं भी शेयर नहीं करी है, ना ही ऑनलाइन ना ही ऑफलाइन। मेरे ऑफलाइन फ्रेंड्स को भी नहीं पता है मेरे पास्ट के बारे में, मेरे बैड पास्ट के बारे में। मेरे सिर्फ कुछ क्लोज फ्रेंड्स होंगे जिनको पता होगा, बाकी किसी को भी पता नहीं है। तो इस वीडियो के थ्रू उन्हें भी आज ये सारे सीक्रेट्स पता चलने वाले हैं आपके साथ भी। एंड आई एम श्योर आपका भी कोई ना कोई बैड पास्ट रहा होगा, कोई ना कोई फेलियर रहा होगा जिसे आप कहीं भूल नहीं पाओगे। तो इस स्टोरी से आप भी बहुत कुछ रिलेट कर पाओगे आज की इस वीडियो में। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो कहानी शुरू होती है जब मैं क्लास 2nd-3rd में थी और बच्चों ने मुझे इतना ज़्यादा बुली किया गया था कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे याद है मेरी सिर्फ एक फ्रेंड हुआ करती थी जो मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करती थी, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट टाइप की पर्सन थी। मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी, मैं बहुत ही डरी डरी सी रहती थी। ज़्यादा किसी से बात नहीं करना, कम बोलना, तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ बहुत हुई थी। एक बार बहुत ही फ़नी स्टोरी है, मैं आपको बताती हूँ कि मुझे थोड़ा आर्ट वगैरह का शौक़ था, तो मैंने एक कॉपी के पीछे एक आर्ट बना हुआ था, किसी इंसान का फेस बनाया था अपनी हिंदी की बुक से। और एक दिन मेरा मैथ्स का टेस्ट था तो मैं जल्दी जल्दी में वही कॉपी उठाकर स्कूल ले गई और फिर मैंने उसी कॉपी में अपना एक टेस्ट भी दे दिया। और उसके बाद जो मेरी हालत हुई, जो मेरी टीचर ने मेरी हालत की ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी इतनी ज़्यादा इंसल्ट हुई थी उस दिन। उस टीचर ने मेरा इतना ज़्यादा मजाक उड़ाया था कि मैथ्स के टेस्ट में मैंने पीछे ड्राइंग करी हुई है, हमारे बीच एक आर्टिस्ट बैठा हुआ है, हमें उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इस तरह के वर्ड्स, इस तरह की मतलब टॉन्टिंग, मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था उस टाइम पर। मुझे बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग फील होता था, इसीलिए मैं बात बात पर रोने लग जाती थी। मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करना पसंद करती थी, लोग मेरा मजाक उड़ाते रहते थे हर वक्त, और ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग थी उस टाइम पे। और बहुत सारे साइंटिस्ट भी ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि 5 से 6 साल के बीच ही हमारे जो माइंड की डेवलपमेंट होती है वो हो जाती है। इससे आपके जो आगे की लाइफ होती है कि आप इंट्रोवर्ट बनोगे या एक्सट्रोवर्ट बनोगे, तो वो सारी चीज़ें उससे डिपेंड करती हैं। तो जब बचपन में इतना ज़्यादा किसी को बुली कर दिया जाए तो आप सोच सकते हो कि उसके माइंड पर क्या असर होता होगा। तो खैर, मैंने ये सब देखा। उसके बाद फिर मैंने स्कूल चेंज कर दिया। क्लास 3rd के बाद मैं क्लास 4 में किसी और स्कूल में वहाँ चली गई और फिर मैंने वहाँ उस स्कूल में जाकर ये चीज़ डिसाइड कर ली कि अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी, मैं पढ़ाई में मेहनत करूँगी। मैं वहाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी पढ़ाई करने, बट अब मैं मेहनत करूँगी। तो मैंने मेहनत की, एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ और मैं क्लास में टॉप 3 में आने लगी। मेरा रैंक जो था वो 2nd आने लगा। मैं हमेशा रैंकर्स में काउंट होने लगी। मेरी लाइफ बहुत ही बढ़िया हो गई। क्लास 4 से 10 तक तो मेरी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही थी। मैं हमेशा टॉप करती थी क्लास में, मतलब फेलियर नाम का तो कोई वर्ड ही नहीं था मेरी लाइफ में। क्लास 6 में मैं फर्स्ट आई, क्लास 8 में मैं फर्स्ट आई। मुझे मतलब ये पता चल गया था कि अगर आप अपनी लाइफ में मेहनत करते हो तो आपको सक्सेस तो मिलनी ही मिलनी है। और फिर मेरी लाइफ का एक और टर्निंग पॉइंट आया जब मैं क्लास 11 में गई, क्योंकि आपकी लाइफ में भी टर्निंग पॉइंट रहा होगा। अगर आप CBSE बोर्ड से हो तो 10th तक आपको सिर्फ एक बुक पढ़नी होती है साइंस की, और जब आप क्लास 11 में मैथ्स लेते हो तो फिर आपको आपकी हालत ख़राब होने लगती है, बिकॉज आपको इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, वो भी तीन तीन चार चार बुक्स एक ही सब्जेक्ट की, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है हम सबके लिए। तो मेरे साथ भी वही हुआ। मुझे लगा चलो ठीक है, मैंने मैथ्स ले लिया है, अब मैं आराम से पढ़ाई करूँगी। मतलब 10th तक तो मैं टॉपर थी, तो 11th में पढ़ने में क्या हो जाएगा। तो मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने की कोशिश की, मैंने पूरा 100% लगा दिया क्लास 11 में भी। फिर भी मेरा फिजिक्स पोर्शन बहुत ज़्यादा वीक था। फिजिक्स के लिए मेरा फिजिक्स पोर्शन इसलिए वीक था बिकॉज मैंने कोई ट्यूशन कोचिंग वगैरह कुछ नहीं की थी उस टाइम पे। तो 11 में भी किस तरह मैंने 77% अपना स्कोर कर लिया। क्लास 12th में मेरी और ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, क्योंकि और ज़्यादा चीज़ें बदल गई, चीज़ें टफ होती चली गई। तो मेरा किसी तरह मैंने 70% स्कोर कर लिया, जो कि एक एवरेज स्कोर है क्लास 12th में। और मेरा ऐसा कोई ड्रीम भी नहीं था, ऐसा कोई प्लान भी नहीं था कि मुझे IIT वगैरह में जाना है। तो मैंने सोचा था, बट मुझे लगा कि नहीं, शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, तो मैं किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगी, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगी। तो मेरा उस टाइम पे ड्रीम था कि मैं BHU जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ूँ, क्योंकि ऑल्दो मैं वाराणसी में रहती हूँ तो BHU यहाँ से बहुत ही ज़्यादा पास है। तो मेरे पेरेंट्स भी चाहते थे कि मैं BHU में पढ़ाई करूँ, तो मैंने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की BHU के लिए, मैंने बहुत ज़्यादा तैयारी की। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा BHU में सिलेक्शन नहीं हो पाया गाइस। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अब BSc करना है तो किसी भी लोकल कॉलेज से कर लेते हैं।
तो फिर मैंने किसी लोकल गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन ले लिया बीएससी में। और फिर जब मैं वहाँ पर गई तो मुझे अच्छा नहीं लगता था बिल्कुल भी। मुझे वहाँ का इन्वायरमेंट नहीं पसंद था, मुझे वहाँ के लोग नहीं पसंद थे, वहाँ के लोगों से बातें करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। फिर मैं सोचती थी कि क्या मेरी लाइफ बस यही है, मेरी कॉलेज लाइफ बस ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। मैंने सोचा कि नहीं, मैं अपनी कॉलेज लाइफ को ऐसे ख़त्म नहीं होने दूंगी, मैं अगले साल फिर ट्राई करूंगी, फिर से बीएचयू का ट्राई करूंगी। और एक टाइम पे तो ऐसा हो गया था कि मैंने बीएचयू के लिए 3 महीने का कोचिंग ज्वाइन कर रखा था, क्रैश कोर्स। तो मैं जैसे ही कॉलेज से छूटती थी मैं तुरंत ही कोचिंग में जाती थी और फिर वहाँ पर 2-3 घंटे पढ़ के मैं फिर वापस आती थी घर। तो फिर मैं जब कॉलेज से जाती थी तो मुझे 1 किलोमीटर पैदल चल के वहाँ तक जाना पड़ता था और फिर वापस आना, तो बहुत ज़्यादा टफ हो गया था। और फिर जब एग्ज़ाम का टाइम आया, जब एंट्रेंस एग्ज़ाम का टाइम आया, तो बीएचयू मेरा सिलेक्शन अगेन नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। मैं ऐसे फॉर्चुनेटली बोलूँ या अनफॉर्चुनेटली बोलूँ मुझे नहीं पता, बट मेरा वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ। और सिलेक्शन नहीं हुआ तो ठीक है, बट मैं बीएससी में भी फेल हो गई। और गाइस ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, और ना ही सिर्फ मेरे लिए बल्कि मेरी फैमिली के लिए, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में कभी भी इसके पहले फेल नहीं हुई थी किसी भी क्लास में। मैं बचपन में पढ़ने में थोड़ी वीक थी बट मैं कभी भी फेल नहीं हुई थी, मुझे प्रमोशन मिल जाता था बट मैं कभी फेल नहीं हुई थी। ये मेरी लाइफ का पहला फेलियर था, पहला एकेडमिक फेलियर। और फिर उसके बाद ना मुझे कुछ समझ में आ रहा था, ना ही मेरी फैमिली को समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूँ, मैं दोबारा से पढ़ाई करूँ या कुछ और अपनी फील्ड को शिफ्ट कर लूँ, क्या करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मेरी फैमिली ने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं बायोलॉजी पढ़ूँ, मतलब एक साथ बायो लेकर पढ़ाई करूँ और फिर नीट का प्रिपरेशन करूँ। तो फिर मेरी फैमिली ने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, अब एक साथ बायोलॉजी लेकर देखो, बायोलॉजी पढ़ना और फिर तुम्हें नीट का एग्ज़ाम देना है इसके बाद। फिर मैंने डिसाइड कर लिया, ये बात है अराउंड 2015 की, क्योंकि 2014 मैंने जब एडमिशन लिया तो मैं फेल हो गई थी। 2015 में फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो बायोलॉजी लेते हैं, और फिर बायोलॉजी मैंने ले लिया, मैंने बुक खरीद लिया। बायोलॉजी मैंने खुद से पढ़ा, खुद से ही सीखा, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप खुद से ही पढ़ सकते हो वीडियोज़ वगैरह देखकर। तो इसी तरह सब कुछ चलता रहा, मैंने खुद से प्रिपरेशन करी। मैंने 11th और 12th एक ही साल में पढ़ा था गाइस, बायोलॉजी की बुक मैंने 11th और 12th दोनों पढ़ी थी, क्योंकि अगर आप सिर्फ 12th की बुक ले लोगे तो ऐसा नहीं होगा, आपको 11th से स्टार्ट करना होगा। मैंने 11th और 12th दोनों एक साथ पढ़ा, एक ही साल में मैंने कम्प्लीट किया। मेरे 78-80 मार्क्स आ गए थे 12th में बायोलॉजी में। फिर मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया तुरंत, तो फिर भी मेरा नीट में नहीं हुआ, बट इस बार एक्सेप्टेबल था क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने भी सोचा कि इसी बार इसने नीट का एग्ज़ाम दिया है तो एक साल और से प्रिपरेशन करने दो किसी कोचिंग में, फिर ये नीट का एग्ज़ाम देगी तो क्लियर हो ही जाएगा। तो फिर मेरा नीट में नहीं हुआ, बट फिर मैंने आकाश ज्वाइन कर लिया, आकाश इंस्टीट्यूट, वहाँ पर मैं रेगुलर जाती थी, नीट की प्रिपरेशन करती थी। और वहाँ पर मैं लिटरली आपको बताऊँगी कि वहाँ पर मैं बिल्कुल 100% अब मैंने अपना दिया था, क्योंकि जब मैं वहाँ पढ़ती थी तो टेस्ट के लिए जब भी टेस्ट का टाइम आता था तो मैं रात में 12 बजे तक पढ़ती थी, फिर 2 बजे उठ के फिर से पढ़ना स्टार्ट कर देती थी। मतलब मैं सोती कम थी, सिर्फ 2-3 घंटे ही रात में सोती थी। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है गाइस, अगर आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करते हो तो, अगर आप में से किसी ने प्रिपरेशन की हो तो आपको पता ही होगा कि कैसे कॉम्पिटिशन होता है वहाँ पर। तो इसी तरह एक साल चलता रहा, एक साल सब कुछ ठीक चल रहा था, मुझे लगा कि हाँ मेरा नीट में हो जाएगा। बट एट द एंड ऑफ मार्च मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मतलब मेरे मार्क्स ही बहुत ज़्यादा लो आ रहे थे टेस्ट वगैरह में, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद अब मेरा नहीं हो सकता है। अंदर से मैं बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी, मैंने बहुत ही प्रिपरेशन करी थी बट पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि मैं अब नहीं कर पाऊँगी। नीट का एग्ज़ाम आया, फाइनल डे आया, और मेरा नीट का एग्ज़ाम तो अच्छा नहीं हुआ, मेरे 200 से 300 के बीच मार्क्स आए थे, जो कि कुछ भी नहीं है नीट के एग्ज़ाम के लिए, तो इतने कम मार्क्स आए। और अनफॉर्चुनेटली मेरा अगेन नीट में नहीं हुआ, इतनी मेहनत करने के बाद भी, मतलब 11-12 मैंने एक ही साल में पढ़ा और उसके बाद भी मेरा नीट नहीं हुआ, और ये अगेन मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग था। फेलियर होने के बाद अगर आप किसी और चीज़ की प्रिपरेशन करते हो फिर से आपका नहीं होता, तो मतलब मैं बता नहीं सकती कि मुझे उस टाइम कैसा फील हुआ था। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, फैमिली चाह रही है मतलब मैं ग्रेजुएशन कर लूँ, तो मैंने ग्रेजुएशन ज्वाइन कर लिया। मतलब मैंने सोचा कि चलो किसी अच्छे कोर्स से करते हैं, क्योंकि प्लेन बीएससी तो मुझे नहीं करना है। तो मैंने देखा कि बायोटेक सब्जेक्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि बायोटेक मैंने ले लिया। एमिटी यूनिवर्सिटी मैंने सर्च किया कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, तो मैंने देखा कि एमिटी यूनिवर्सिटी इज़ बेस्ट फॉर बायोटेक, तो मैंने वहाँ एडमिशन ले लिया अपने पेरेंट्स को कन्विंस करके किसी तरह कि मुझे वहाँ एडमिशन करा दो। तो पेरेंट्स ने भी सोचा चलो 3 साल पढ़ेगी, ग्रेजुएशन हो जाएगा, फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना है। फिर मैंने वहाँ एडमिशन ले लिया एमिटी यूनिवर्सिटी में, मुझे वहाँ का कल्चर अच्छा लगा, वहाँ के लोग अच्छे लगे एज़ कम्पेयर टू जहाँ मैंने लोकली एडमिशन लिया था, वहाँ के लोग मुझे अच्छे लगे। और फिर मैंने बहुत ज़्यादा जम के पढ़ाई वहाँ पे भी करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इतने सारे फेलियर्स के बाद अगर आप पढ़ाई करते हो तो बहुत ही जम के पढ़ाई करोगे। और फिर मेरा जब वहाँ एक साल कंप्लीट हुआ, एक साल तक तो मैंने बुक खरीद खरीद कर पढ़ाई की, क्योंकि ग्रेजुएशन में लोग बुक खरीदते नहीं, बट फिर मैंने बुक खरीदा, मैंने पढ़ा। फिर मुझे सेकेंड ईयर में रियलाइज़ हुआ कि बायोटेक इज़ नॉट समथिंग फॉर मी,
बिकॉज बायोटेक में ऐसा कुछ अभी नहीं है. अगर आप फॉरेन वगैरह में जाकर देखते हो तो आपको थोड़े बहुत करियर स्कोप दिखेंगे, बट इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है और मुझे ज़्यादा मज़ा भी नहीं आ रहा है. तो अब फिर मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ भी नहीं आ रहा मैं इसके बाद क्या करूँगी. मैंने सोचा कि चलो MBA का पेपर देखते हैं कि MBA की प्रिपरेशन कैसे होती है. मैंने CAT का पेपर नेट से निकाला, मैंने देखा कि अरे वाह ये तो मतलब अच्छा है, इसमें मैथ्स भी आता है, इसमें इंग्लिश भी आता है, दोनों ही मेरे अच्छे पॉइंट्स हैं. तो फिर मैंने CAT की बुक ले ली, CAT की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया. 2-3 महीने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की लगकर, बट फिर किसी रीज़न से मुझे CAT की प्रिपरेशन छोड़नी पड़ी. और उसके बाद जो मेरा गाइस हाल हुआ ना, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी. और मतलब मैं किसी से बात नहीं करती थी बहुत दिनों तक, बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था. मेरा दिमाग एकदम काम करना बंद कर दिया था कि मैं क्या करूँ अपनी लाइफ में, मैं हर जगह फेल हो रही हूँ, इतनी सारी चीज़ें ट्राई कर ली लाइफ में बट कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं क्या करूँगी. फिर मेरे एक फ्रेंड ने आइडिया दिया कि अगर तुम MBA कर रही थी तो कहीं ना कहीं तुम बिज़नेस की फील्ड में जा रही थी, क्यों ना हम लोग बिज़नेस ट्राई करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आजकल बिज़नेस भी कर रहे हैं. तो फिर मैंने सोचा कि हम लोग बिज़नेस कैसे कर सकते हैं. और उसके बाद की स्टोरी आपको पता है, मैंने स्टार्टअप स्टोरी अपने शेयर की थी, अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं किया तो आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको आई बटन मिल जाएगा. फिर मैंने सोचा चलो ठीक है बिज़नेस भी करके देख लेते हैं, इतनी सारी चीज़ें ट्राई की हैं. तो फिर हम लोगों ने अलग अलग बिज़नेस आइडिया सर्च करना स्टार्ट किया कि क्या कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं. वो कोचिंग वाला आइडिया आपको याद होगा, अगर आप मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हो तो मैंने बताया था कि एक कोचिंग एग्रीगेशन प्लान था हमारा. फिर हमारा था कि हम लोगों ने गिफ्ट स्टोर स्टार्ट किया अपने कॉलेज में ही, हम थर्ड ईयर में थे हम लोगों ने स्टार्ट किया, वो भी नहीं चला, एक सेल हुई, वो भी तब जब दुकान बंद हो रही थी हमारी, तो वहीं सिर्फ एक सेल हुई तो वो भी ख़त्म हो गया, वो भी नहीं चला किसी तरह. फिर हम लोगों ने इसी तरह और भी आइडियाज़ सर्च करना स्टार्ट किया कि हम लोग और क्या कर सकते हैं. फिर लॉकडाउन हो गया और उसके बाद से तो आप सभी को शायद याद होगा कि मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट का स्टार्ट किया था. फिर मैंने डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट किया. डिजिटल मार्केटिंग मुझे लगा कि नहीं, इट्स नॉट समथिंग फॉर मी. मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने ट्राई की. और गाइस आप देख ही रहे हो कि मैंने कितने ज़्यादा फेलियर्स फेस किए अपनी लाइफ में. मतलब एकेडमिक में तो मेरा फेलियर था ही, अब मैं बिजनेस में आई हूं तो इसमें भी मेरे छोटे छोटे फेलियर्स ऐसे हो रहे हैं लगातार है. मैंने बहुत सारे फेलियर्स फेस कर लिए अपनी लाइफ में. इसके बाद ही बहुत सारे बिजनेसेस नहीं चले, बट फाइनली अब मैं जो ये बिज़नेस कर रही हूँ द क्रिएटर क्लोजेट का, मुझे इसमें इतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हो रहा है, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है जब मैं ऑर्डर्स को क्रिएट करती हूँ, पैकेजिंग करती हूँ. मैंने अपने पिछले वीडियो में शेयर किया था वो ब्लॉग, BTS ब्लॉग अगर आपने देखा हो तो मैंने मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन फील होता है कि मैं जब किसी को प्रोडक्ट देती हूँ, किसी को अच्छा लगता है वो प्रोडक्ट, तो उससे सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग मेरे लिए नहीं होती है. फाइनली मुझे कुछ ऐसा इस बिज़नेस में दिख रहा है कि शायद मैं इसे ग्रो कर सकती हूँ. भले ही ये एक टी शर्ट बिज़नेस ही है फॉर क्रिएटर, बट मुझे लगता है कि मुझे इस काम में ही सबसे ज़्यादा मज़ा आता है. एंड आई डोंट नो एग्जैक्टली कि मैं कहाँ जाऊँगी 10 ईयर्स बाद, मैं कहाँ रहूँगी 5 ईयर्स बाद, मैं कहाँ रहूँगी. और अभी मैं जो कर रही हूँ, मैं यूट्यूब कर रही हूँ, मैं अपना बिज़नेस स्मॉल बिज़नेस कर रही हूँ, ये सभी मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस फेलियर से ही मुझे इंस्पिरेशन मिली है कि मैं कभी भी गिव अप ना करूँ अपनी लाइफ में. और गाइस अभी मेरे जो 6K सब्सक्राइबर्स हैं मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल हैं, क्योंकि मैंने 2 साल तक लगातार काम किया है इस पर, तब जाके मेरे 6,000 फॉलोअर हुए हैं और ये सिर्फ आपकी वजह से हुआ है गाइस. सो थैंक यू सो वेरी मच. मैं आप सबके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि आप सब लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया अभी तक. और इसी तरह की वीडियोस मैं ट्राई करूँगी, मैं आप सभी को हर हफ्ते या फिर हर 2-3 दिन में हर डालूँ, ताकि आप लोग भी इंस्पायर हो और आप लोग के अंदर भी थोड़ा सा आए कि कभी भी गिव अप नहीं करना है. मुझे फ्यूचर का नहीं पता कि आगे ये बिज़नेस चलेगा कि नहीं, मेरा यूट्यूब चैनल चलेगा कि नहीं, क्योंकि ये भी एक तरह से रिस्क ही है, मैं रिस्क लेकर ही काम कर रही हूँ. बट कोई बात नहीं, मुझे इतना पता है कि इतने सारे फेलियर्स को जो मैंने अभी तक फेस किया है, तो उसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा स्ट्रांग हुई हूँ कि अब कोई भी फेलियर आता है तो मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता इन सारी चीज़ों का. इतनी ज़्यादा लाइफ में फेलियर्स को फेस कर लिया, इतनी ज़्यादा मतलब डिप्रेशन में जाकर फिर ऊपर आना, फिर उसके बाद मतलब फिर से बाउंस बैक करना, ये सारी चीज़ें आसान नहीं होती, हर कोई नहीं कर पाता है. मैं भी चाहती थी कोई भी नॉर्मल जॉब लेकर सेटल हो सकती थी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स जॉब कर रहे हैं. बट मैंने सोचा कि नहीं, जॉब मैं लास्ट में करूँगी, वर्स्ट केस सिचुएशन में करूँगी अगर कुछ नहीं होता है, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है 1-2 साल का, तो मैं 2-3 साल तक देख लेती हूँ, खुद से कुछ ट्राई कर लेती हूँ, फिर कुछ नहीं होगा तो फिर एट द एंड जॉब कर लेंगे. बट साइड हसल तो मैं हमेशा ट्राई करूँगी, मैं लाइफ टाइम साइड हसल करती रहूँगी जब तक कि मैं इसमें सक्सेसफुल नहीं हो जाती हूँ. सो गाइस आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो. थोड़ा सा पर्सनल टच था इसमें, थोड़ी पर्सनल स्टोरी थी ये वीडियो. मैंने कहीं भी मतलब ये स्टोरी किसी को भी नहीं पता है, इस वीडियो से सबको पता चलने वाला है और आपको भी ये पता चला होगा, आप भी इंस्पायर होगे. तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना. अगर आपने इस वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना व्हाट्सअप पे अपने फ्रेंड्स के साथ, जिन लोगों ने भी फेलियर्स को देखा है या फेलियर्स अगर अभी वो अपनी लाइफ में गुजर रहे हैं,
क्योंकि अभी 10th और 12th का मार्क्स आया है तो काफ़ी सारे बच्चों का मार्क्स अच्छा नहीं आया होगा, तो प्लीज़ ये वीडियो उन सभी के साथ शेयर करो, उन लोग भी इंस्पायर होंगे और उनको भी मोटिवेशन मिलेगा लाइफ में आगे बढ़ते रहने का, हमेशा कभी हार नहीं मानने का। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।